बहुत नर्वस है हम लोग, बिकॉज खुशी भी है बट उतना ही नर्वस है क्योंकि ट्रेलर रिलीज होने के बाद यहाँ का रिस्पांस देकर आई थिंक पैन इंडिया बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है और एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ गया है, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो गया है, सो वी आर एक्सट्रीमली नर्वस एंड ऑल्सो वेरी हैप्पी एट द सेम टाइम दैट वी आर गेटिंग सो मच लव फ्रॉम पीपल। सोनम के बात में बिल्कुल सहमत हूँ, जिस तरीके का प्यार और सपोर्ट जो प्रेयर्स मिल रहे हैं ऑडियंस की तरफ से, वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी। हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था बिकॉज जब हम लोग ये पिक्चर बना रहे थे कि सिर्फ हमारा दिमाग में ये प्लान था कि हम लोग ये कनाडा में रिलीज करेंगे, बट हमारे प्रोड्यूसर फोर्स करने के बाद वो इंडिया रिलीज कर रहे हैं, तो और डर था कि हिंदी वालों को नॉर्थ वालों की ये मेरी पिक्चर पसंद आएगी नहीं, गाने पसंद आएंगे कि नहीं, कंटेंट पसंद आएगा कि नहीं, मैं पसंद आऊँगा कि नहीं, बट मैं गलत था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। And tell us a little about ki, your experience with Banaras, ki kaisa raha experience with Banaras shooting ka, on location ka? Sir, bahut hum log ne bahut mazey kiye sir, bahut mazey kiye, we had lot of fun. Main 80 din tha wahan par Banaras mein and I think for 40 days she was also with us, so hum logon ne 84 ghats mein hum logon ne shooting kiye, we have explored Banaras like anything. शायद भी आज तक कि कोई डायरेक्टर या कोई फिल्म ने इतने अच्छे तरीके से बनारस को एक्सप्लोर ना किया होगा, उससे भी अच्छे से ज़्यादा हम लोगों ने हमारी बनारस की पिक्चर में हम लोगों ने बहुत अच्छे से तरीके से अपने जो जितने भी घाट्स हैं, वहाँ की जितनी भी गलीज है, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की जो ट्रेडिशंस है, वहाँ के जो डिशेज हैं खाने के, जो स्वीट्स चाट्स, हर चीज़ से भी हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने एक्सप्लोर किया है। और बनारस एक मिस्टीरियस काइंड ऑफ लव स्टोरी है, तो हम लोगों ने जो बैकड्रॉप बनारस में जो हम लोगों ने किया है वो शायद ऑडियंस को, जनता को बहुत पसंद आएगा। बनारस की जो संस्कृति सभ्यता है, जिस तरह से आपने बताया काफ़ी दिन शूटिंग वहाँ पे हुई, नाम भी फिल्म का आपके बनारस है, वहाँ के कल्चर को फिल्म में किस तरह से प्रेजेंट्स किया गया? सर, आप जब आप पिक्चर देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक हिस्ट्री फिल्म देख रहे हैं या फिर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म देख रहे हैं, तो डेफिनेटली एक बंदा आता है थिएटर को एंटरटेनमेंट, मतलब उसको एंटरटेनमेंट देना हमारी जिम्मेदारी है, तो एंटरटेनमेंट मसाला पूरा मिक्स जॉनर करके वहाँ की जितने भी जो कल्चर सब पूरा मिक्स मैच करके हम लोगों ने दिया है। एवरीथिंग इज शोड, गंगा आरती होने दो, वहाँ का वो पूजा, नहीं तो इवनिंग में बच्चे लोग स्काई फ्लाई करते हैं, वो सब हम लोगों ने कैप्चर किया, और बहुत सारी चीज़ें ऐसा हम लोग डिस्कस भी नहीं कर सकते। तो जब आप देखेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है, आपको बहुत खुशी होगी कि आपको दिमाग में ये आएगा कि अरे बाप, ये सब चीज़ें हैं क्या वहाँ पर, हमें भी पता नहीं था। हम लोगों ने आई थिंक मैं और हमारे डायरेक्टर और हमारे कैमरामैन बिफोर द शूट हम लोग 30 दिन वहाँ पर ही थे, तो जानकारी लेने के लिए, बताना चला लोकेशन हंटिंग के लिए, सो तभी हमें पता चला, तो तभी हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमारी 80-85% की पूरी पिक्चर हम लोग बनारस में शूट करेंगे। बनारस के अलावा और कौन से लोकेशन पे इसको शूट किया जा रहा है, जरा उसके बारे में? सर, बनारस के अलावा हम लोगों ने बैंगलोर में थोड़ा बहुत पोर्शन शूट किया, 10-15%, और दो गाने हम लोगों ने बैंगलोर में शूट किए, एक सेट का गाना था रोमांटिक गाना, वो अभी थोड़े दिन में भी रिलीज हो जाएगा, सो वो एक गाना हम लोगों ने शूट किया, और एक जो ट्रॉल गाना जो था पार्टी सॉन्ग, वो हमको बैंकॉक में शूट करना था, बट अनफॉर्चुनेट बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक हम लोगों ने गोवा में वो गाना शूट किया। एंड फाइनली फिल्म 4 नवंबर को वर्ल्ड वाइड थिएटर्स में रिलीज हो रही है, अपने ऑडियंस को, अपने फैंस को, चाहने वाले को कुछ कहेंगे आप? मैं दर्शकों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने बहुत मेहनत से, बहुत तहे दिल से, बहुत ईमानदारी से हम लोगों ने बहुत अच्छी पिक्चर बनाई है बनारस, सो आप सब लोग नवम्बर 4 को प्लीज़ कम एंड वॉच इन थिएटर्स एंड प्लीज ब्लेस अस एंड गिव योर लव। थैंक यू। So Banaras Cinema is releasing on the 4th of November. Please watch the film. I'm sure 2.5 hours is going to be unlimited entertainment for you all. Or the second half, you will be on the edge of your seat. So please go watch our film in your theater.